तो हेलो गाइज, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइज, आज हम पुरानी जो चार्जर की डाटा केबल होती है उसकी यूएसबी पिन की मदद से हम तीन सिंपल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिसको आप बिल्कुल ही आसानी से वीडियो देख के घर पे तैयार कर सकते हो। और इसके लिए जो भी कंपोनेंट चाहिए वो भी आपको इजीली घर पे ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए गाइज, बिना देर के इसको बनाना शुरू करते हैं। तो गाइज, मैंने लिया एक पीवीसी का पाइप जो कि पानी फिटिंग का पाइप है, यानी काफ़ी मजबूत पाइप है। आप दूसरा भी पाइप ले सकते हो। ये इसकी मोटाई लगभग, मतलब इसका डायमीटर लगभग 1 इंच का है। तो मैंने इसमें से 2 इंच का एक पीस कट कर लिया है और अब इसको हमें पीछे से बंद करना है। तो मैं लेता हूँ पीवीसी की सीट, जिस पे मार्किंग करके हम एक गोल पीस की कटिंग कर लेते हैं। और गाइस, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए ऐसे ही रोज़ यूजफुल प्रोजेक्ट की वीडियो लाता रहता हूँ। बाकी वीडियो संबंधी अपडेट जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो गाइज, मैंने एक यूएसबी पिन को लिया है, जिसको काट के जो ऊपर की इसकी प्लास्टिक की लेयर का है उसको हम हटा लेते हैं, और इसके जो अंदर से वायर है उसको हमें बाहर निकाल लेना है। तो गाइज, इनमें हमें सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव वायर ही चाहिए, तो बाकी दो एक्स्ट्रा वायर है उसको हम काट लेते हैं। और बाकी जो दो वायर देख रहे हो, रेड और ब्लैक, ये दोनों हमारे सप्लाई के वायर है, एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है। अब गाइज, जो पीवीसी शीट से हमने पीस तैयार किया था उस पर मैंने यूएसबी के हिसाब से कटिंग कर ली है, तो इसके अंदर यूएसबी इजीली फिक्स हो जाएगी। और इसके अलावा हम इसको सुपर ग्लू की मदद से यहाँ पे चिपका भी देंगे, ताकि ये मजबूती से यहाँ पे फिक्स रहे। तो आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट ये फिक्स हो चुका है, और इसको हम इस पीवीसी पीस पे कुछ इस प्रकार से चिपका देंगे। गाइज, इसके वायर की लंबाई छोटी थी तो मैंने इसके साथ एक्स्ट्रा वायर कनेक्ट कर लिया है, और अब हमने जो पीवीसी पाइप कट किया था उसके साथ इसको चिपका देते हैं। गाइस, इसका बनाने वाले हैं हम एक यूएसबी टॉर्च। तो इसके लिए हमें एक टॉर्च का रिफ्लेक्टर चाहिए, तो आप कोई सी भी पुरानी टॉर्च का छोटा रिफ्लेक्टर ले सकते हो, या आप बड़ा रिफ्लेक्टर है तो आप आईपी भी बड़ा लेना है पीयूसी का, तो उसके अंदर ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इसके अंदर रजिस्टेंस पहले से लगा हुआ है, तो हमें अलग से कोई रजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको पाइप होल्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे। बस यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रख लेना है, क्योंकि अगर उल्टा कनेक्शन हो गया तो एलईडी जलेगी भी नहीं और ख़राब भी हो सकती है। तो गाइज, अब हम इसको पीवीसी पाइप के अंदर फिक्स कर देते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट फिक्स हो चुकी है, क्योंकि पीवीसी का पाइप मैंने इसके हिसाब से ही लिया था। तो आप देख सकते हो ये मिनी यूएसबी टॉर्च बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलो, अब हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के लिए आप मोबाइल चार्जर या पावर बैंक किसी का भी यूज़ कर सकते हो, या आप इसको ओटीजी की मदद से डायरेक्ट मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। ये जो आप छोटी पावर बैंक देख रहे हो, इसको मैंने ही बनाया। इसकी वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। तो गाइज, इस मिनी यूएसबी टॉर्च की ब्राइटनेस देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है और बहुत ही अच्छा काम कर रही है, और बिल्कुल लो वोल्टेज पे ये जल जाएगी। तो गाइज, उम्मीद है कि आपको ये मिनी यूएसबी टॉर्च काफ़ी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइज, अब बढ़ते हैं अगले प्रोजेक्ट पे। तो मैंने एक और यूएसबी पिन को ले लिया है, और अब हमें चाहिए कॉपर वायर। तो कॉपर वायर आप किसी भी खराब ट्रांसफार्मर से निकाल सकते हो। तो गाइज, अब इस कॉपर वायर को किसी भी गोल वस्तु के ऊपर इस प्रकार से लपेट देना है, और यहाँ पे ध्यान रखना है कि 15 टर्न देने के बाद हमें यहाँ पे एक लूप छोड़ना है, और फिर वापस हमें 15 टर्न देने हैं। तो गाइज, आप देख सकते हो हमें कुछ इस प्रकार से इसको तैयार कर लेना है। और अब हमें चाहिए एक मोसफेट। तो आप यहाँ पे IRF Z44 MOSFET का यूज़ कर सकते हो, जिसकी पिनआउट की जानकारी आप डिस्प्ले पे देख ही चुके हो। तो इसके साथ हमें कुंडली के जो दोनों वायर है, लूप को छोड़ के जो दोनों वायर है उसके फर्स्ट और सेकेंड टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है, और फिर इसका फर्स्ट टर्मिनल को हमें नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना है, और जो लूप वायर है उसे पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हो मैंने इसके सारे कनेक्शन कर दिए हैं, और बिल्कुल ही सिंपल कनेक्शन है, आप इजीली इसको कर सकते हो। तो अब हमें चाहिए कुछ इस प्रकार के छोटे इंडक्टर। तो ये इंडक्टर आपको एलईडी बल्ब के ड्राइवर सर्किट में इजीली मिल जाएंगे, ये ख़राब नहीं होते, आपको लगभग सही मिलेंगे। और अब हम लेते हैं 5 mm की एलईडी। तो आप 2-3 कलर की जितने इंडक्टर हो उतनी आप एलईडी ले सकते हो। अब एलईडी को हमें इंडक्टर के साथ कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर देना है। आप कैसे भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इंडक्टर में कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है। तो इस प्रकार की मैंने 3-4 एलईडी को तैयार कर लिया है, और अब हमने जो सर्किट तैयार किया था उसको हम कनेक्ट करते हैं पावर बैंक के साथ। आप इस सर्किट को किसी भी 5 वोल्ट चार्जर या किसी 5 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्ट कर सकते हो। बस चार्जर 5 वोल्ट का ही होना चाहिए, अगर 5 वोल्ट से ऊपर दोगे तो इसका मोसफेट टूट सकता है। तो चलो, अब इसकी टेस्टिंग करते हैं कि हमारी एलईडी वायरलेस तरीके से जलती है या नहीं। तो मैंने इसको पावर बैंक के साथ कनेक्ट कर दिया है, और आप देख सकते हो एलईडी बिल्कुल अच्छी तरह ग्लो हो रही है, बिल्कुल वायरलेस तरीके से।
तो गाइज आपको ये मैजिक एलईडी लाइट कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइज इसका सर्किट बिल्कुल ही सिंपल है, आप इजीली इसको तैयार कर सकते हो और 100% वर्किंग है। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह कि सर्किट को आप 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना है, अगर ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो यह सर्किट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं इसका आपको नाइट व्यू भी दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो एलईडी कितनी अच्छी लग रही है और बहुत ही मस्त तरीके से ग्लो हो रही है। और गाइज ये सर्किट पूरा का पूरा 100% वर्किंग है, इसमें कोई भी चीज़ फेक नहीं है। आप इजीली इसको घर पे बना के इसका टेस्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो ये तीनों एलईडी, इसमें कोई बैटरी वगैरह नहीं लगी हुई है, डायरेक्ट इंडक्टर है जो कि सीधा वायरलेस तरीके से ग्लो हो रहा है। और इसमें जो मैंने मॉस्फेट यूज़ किया है वो आपको किसी भी ख़राब सर्किट में मिल सकता है, या आप मार्केट से भी ला सकते हो, या आराम से आपको 5-10 रुपये में मिल जाएगा। तो गाइज हमारा ये प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छी तरह काम कर रहा है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। तो मैंने एक और यूएसबी पिन को निकाल लिया है और अब हमें चाहिए एक 4 वोल्ट का एलईडी पैनल जो कि आपको किसी भी टॉर्च में मिल जाएगा या आप इसको मार्केट से भी इजीली खरीद सकते हो। तो अब मैं लेता हूँ एक पीवीसी की सीट और इस एलईडी पैनल के हिसाब से इसकी मार्किंग करके कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने इसकी अच्छी तरह कटिंग कर ली है और अब इस एलईडी पैनल को कुछ इस प्रकार से इस पीस के ऊपर चिपका देना है। तो मैं यूएसबी की पिन को चेक कर लेता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छा काम कर रही है और इसको हमें इस एलईडी पैनल के साथ कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना है। अब इन दोनों को सुपर ग्लू से हम पीवीसी सीट के साथ चिपका देते हैं अच्छी तरह से, जिससे कि ये मजबूती से चिपका रहे और हम अगर यूएसबी पिन में लगाए और बाहर खींचे तो ये उतरे भी नहीं। तो अब मैंने एक छोटा सा और पीस कट कर लिया है जिससे कि इस यूएसबी पिन को हम चारों तरफ से कवर कर देंगे। अब गाइज इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से हमें सुपर ग्लू से चिपका देना है जिससे कि यूएसबी को लगाने निकालने में ये टूटे नहीं। और इसके जो शार्प किनारे हैं उसको मैं सैंड पेपर की सहायता से अच्छी तरह घिस के तैयार कर लेता हूँ जिससे कि ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो फाइनली गाइज हमारी ये मिनी यूएसबी लाइट बन के तैयार हो चुकी है। बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हो, इसमें कोई भी ज़्यादा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एलईडी पैनल है वो आपको 10 से 15 रुपए में इजीली मिल जाएगा। और अब आप इसको किसी भी पावर बैंक या मोबाइल चार्जर के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट करके भी जला सकते हो, ये एक फ्लैश लाइट का काम भी कर सकती है। तो गाइज आप इसकी ब्राइटनेस को देख सकते हो, काफ़ी तेज़ ब्राइटनेस है और ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है। अब गाइज इसका मैं आपको एक बार नाइट व्यू भी दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा तेज़ है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और गाइज खास बात तो ये है कि बहुत ही कम वोल्टेज पे ये जल सकती है, यानी आप इसको किसी भी स्मार्टफोन के साथ OTG की सहायता से कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। और इसमें जो ये LED पैनल लगा है इसको आप 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट पर ईजिली चला सकते हो। और गाइज इसको आप चार्जर के साथ लगा के छोड़ सकते हो पूरी रात के लिए भी, ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है, गर्म होकर ख़राब होने वाले नहीं है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट और पोर्टेबल है, तो इसलिए आप कहीं पर भी इसको आराम से कैरी कर सकते हो। तो फाइनली गाइज उम्मीद है कि आपको ये तीनों प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आए होंगे, क्योंकि तीनों प्रोजेक्ट ही बिल्कुल सिंपल और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल थे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।